नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो लोग मतलब नंबरों से, अगर जो लोगों को मतलब लग रहा था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़े, या जो लोगों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे लेकिन फिर भी वो फेल हो चुके हैं किसी कारणवश, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर घटा दिए गए हो, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड लिस्ट जल्द ही आपकी जारी हो जाएगी। एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी यहाँ पर सेकेंड लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। वापस से रिपीट करता हूँ मैं, जिन लोगों का मतलब यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था लेकिन फिर भी उनको मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी नंबर किसी को भी पता नहीं है उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने हैं, तो अभी सबसे बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों सेकंड लिस्ट आपकी आगे मतलब आएगी ही आएगी। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जहां पे मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा था कि मतलब कई लोगों का डाउट मैंने यहां पे देखा है कि लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितना नंबर ऊपर नीचे होगा, तो दोस्त यहां पे ये मैं बता दूं आपको, अगर आपके दो नंबर कम पड़ रहे थे या फिर पांच नंबर, इस मैक्सिमम पांच नंबर लेके चलिए आप, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 10 नंबर आपके कम है तो आपका नहीं हो सकता, लेकिन ये कंफर्म है दोस्तों सेकंड लिस्ट में उन लोगों का नंबर आ जाएगा जिनके दो या तीन नंबर कम थे। अभी आप लोगों में से कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि उनके नंबर कितने थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों कई लोगों के नंबर बढ़े हैं कट ऑफ से, मतलब जिन लोगों के नंबर कट ऑफ पार नहीं हो रहे थे उनके मतलब उनको पास कर दिया गया, इसके अलावा कट ऑफ से ज्यादा जिनके नंबर थे उनको फेल कर दिया गया, तो ये सारा का सारा नॉर्मलाइजेशन का खेल था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अभी एक्चुअल में आपके नंबर कितने आए थे या आप में से किसी को भी मालूम नहीं है, तो ये नंबर डालने से पहले जो कि पांच छह दिनों के अंदर अंदर आपके सभी एसएससी वेबसाइट पे आपके आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे सेकंड लिस्ट जारी करेगा सब, मतलब 101% श्योर हो जाओ आप, हो सकता है मतलब 101% यहाँ पे चांसेस पूरे पूरे बनते हैं उन लोगों के भी जहाँ पे जिन लोगों के मतलब दो या तीन नंबर कम रह रहे हैं। तथा दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट में कई गड़बड़ियां भी यहाँ पे बोर्ड की तरफ से देखने को मिली है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि मुझे मतलब उनका रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया है जबकि वो नक्सल या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा। तो कंफर्म रखिए यहाँ पे दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आने वाला है दो तीन दिन में आपके सामने होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन कंफर्म, और इसके रिगार्डिंग जो सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आप जो सभी सोच रहे हो कि आएगी या नहीं आएगी, कंफर्म है दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट नहीं है एक्चुअल में, वेटिंग लिस्ट आपके रिजल्ट के बाद में मतलब एग्जाम के बाद में होता है, सब कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद में वेटिंग लिस्ट लिया जाता है, लेकिन ये सेकंड लिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे से एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज और नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है या मीडिया के थ्रू पता चलता है, तो सबसे पहले आपको इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाना।